मुद्दे की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक दो या तीन दिन पहले जो अपराधों में, जो राजनीतिक अपराधों में इजाफा हुआ है, हम उस पर आज चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। यशपाल सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप शर्मा जी, समाजवादी पार्टी नेता लखनऊ स्टूडियो से, और नोएडा स्टूडियो से राजेश यादव जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजेश यादव जी से हमने सवाल पूछा था कि उत्तराखंड में 23 दिसंबर को एक साथ दो दर्जन अपराधियों को पेरोल पर रिहा करने का मतलब क्या है। बीजेपी ने शिकायत की है राज्य निर्वाचन आयोग से, जिसने राज्य के गृह सचिव से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। यशपाल सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। यशपाल जी, क्या आप क्या वजह मानते हैं, राजनीतिक मुद्दा है ये? देखिए, अगर संक्षेप में आप जानना चाहते हैं जी, और एक शब्द में जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा जी, कानून तो है, हर जगह है जी, हर जगह है, लेकिन कानून काम नहीं कर रहा जी। क्यों नहीं काम कर रहा है, इसके पीछे हजार कारण हैं जी। आप एक मुख्य कारण बताइए, राजनीति हावी हो रही कानून को? नेचुरली ये सबसे प्रमुख कारण है जी, राजनीति हावी हो रही जी, और हर जगह हावी हो रही है। हालांकि इस समय आचार संहिता है जी, इस समय तो कोई राजनीतिक बात नहीं है जी, पूरा प्रशासन के ही नियंत्रण में चल रहा है। कानून की ऐसी क्या मजबूरी है कि दो दर्जन अपराधी, उसके अलावा ये लक्कड़पाला विधायक की हत्या का आरोपी है, एक बार पेरोल निरस्त हो चुकी है, चुनाव से ठीक पहले उसको दो महीने की पेरोल दी जाती है कि उत्तराखंड चुनाव के बाद तक तुम खूब गंद मचाओ, इसके पीछे वजह क्या है, कानून के हाथ क्यों इतने बंधे हुए? ये तो गलती इलेक्शन कमीशन की है, इसमें इलेक्शन कमीशन को आपत्ति करना चाहिए था कि अभी 15 तारीख को चुनाव है जी, तो 15 के बाद वो छोड़ दिए जाते जी। यशपाल सिंह जी, आप लोगों को राइट है रिटर्न में देने का, आप लोगों को रिटर्न में देने का राइट है कि नहीं, अभी मैंने नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल अब बूथ मतदान होंगे, चीजें होंगी, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इसे खतरा हो सकता है, भय का माहौल हो सकता है, हम नहीं करेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, डीएम को इसको अपोज करना चाहिए जी, लेकिन नहीं होता। वजह क्या है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है? अब मैं पॉलिटिकल प्रेशर ही तो नहीं कह सकता हूँ, क्यों नहीं कह सकते यशपाल सिंह जी? आचार संहिता, आप सूबे के मुखिया रहे, आचार संहिता लगने के जी, देखिए आचार संहिता लगने के बाद जी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत कम हो जाता है जी, इसलिए अब उसके क्या कारण थे जी, वो तो स्थानीय परिस्थितियां ही बता सकती हैं जी। हरीश श्रीवास्तव जी, नेता बीजेपी, आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सारी चीजें सुनी है, उत्तराखंड में क्या हुआ, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया आपके इस पैरोल को लेकर, जो दो दर्जन से ज्यादा अपराधियों को मिली हुई है उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले? देखिए साहब, चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है जी, जिसके ऊपर स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की जिम्मेदारी है जी। उत्तर प्रदेश में जी भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम दो बार या तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को मिलकर जी उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों के बारे में जो भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और चुनाव आयुक्त को दिल्ली में मिलकर करके आदरणीय वेंकैया जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग उस पर आज तक कार्यवाही नहीं कर रहा है जी। मैंने देखा कि कल मथुरा में जिस तरह से सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हुआ और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई जी, इस तरह से अनेक जगहों पे इस तरह की परिस्थिति, अभी प्रतापगढ़ की आज मैंने खबर सुन रहा था जी, तो चुनाव आयोग कहीं स्वतः में निर्णय लेने में मुझे लगता है शिथिलता बरत रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए उन अधिकारियों को हटाया जाना नितांत आवश्यक है जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जो सपा सरकार के या जो सरकार है उसके नुमाइंदे के रूप में, उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, उनको हटाया जाए जी। उनके बारे में प्रमाण सहित बहुत सारी चीजें दी गई तथ्यगत, लेकिन चुनाव आयोग
किन कारणों से निर्णय नहीं ले पा रहा मुझे नहीं समझ में आता, किन कारणों से निर्णय नहीं ले पा रहा चुनाव आयोग था जी, किन कारणों से निर्णय नहीं ले पा रहा श्रीवास्तव जी, जरा प्रकाश डालिए। उसी समय मथुरा में सादाबाद में विधानसभा में संघर्ष खूनी संघर्ष चल रहा था, तो मुझे लगता है कि चाहे उत्तराखंड का भी मसला हो चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो, चुनाव आयोग को जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर न कोई राजनीतिक प्रेशर है न किसी तरह का दबाव है, उसको जिस तरह से अब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष और भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव कराता रहा है उसको भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से अपनी चाहिए। रामपुर की चलिए आप लोगों को पिछले दो दिन की केस स्टडीज दिखाते हैं। पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर प्रचार खत्म हो गया, लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव से पहले जो हिंसा की घटनाओं उनमें पिछले 3-4 दिन में बहुत इजाफा हुआ है, पहले ये रिपोर्ट देखिए चार जगहों की। बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और रामपुर, चुनाव से पहले की ये चार तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बुलंदशहर में खुर्जा से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज गौतम ने अपने ही भाई और उसके दोस्त की हत्या करवा दी। डबल मर्डर की वजह बनी वोट बैंक की राजनीति। मैं दोनों को मारे हूं, तू जल्दी तुझे मैं घर छोड़ता हूं, तुम आ जा। सर मुझसे बोला जब उसने मुझको वाले फोन दे दिए दोनों, मैंने तूने मेरे पास फोन से क्यों बात करी थी, तो बोला कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। तो मैंने की विधायक जी क्या कह रहे थे, बोला विधायक जी अभी मुझे मिले नहीं है अभी, तो मुझे मर्डर केस में तब कराया जो मैं जानते नहीं। किसके मर्डर केस में? उन दो लोग जो खत्म हुए। बेसिकली ही वांटेड टू गार्नर सम सिंपैथी वोट्स, इनको ये लग रहा था कि किसी तरह से भी मुझे जीत सुनिश्चित करनी है, इन लोगों के द्वारा ये प्लान करके घटना कारित कराई। पिस्टल, जिस पिस्टल से वेपन है जो क्राइम का वो मिला है, मृतक के दोनों मोबाइल हैं और इसको हम लोग बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज रहे हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। पिस्टल रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिली, उस पर काम किया गया, सर्वेलेंस से इनके मोबाइल इनकी लोकेशन क्रॉस चेक की गई और फिरोज के जो बयान हुए तो फिरोज से जो पूछताछ हुई उससे जो फैक्ट्स निकल कर आए उस बेसिस पर पुलिस इन तक पहुंची। हाथरस में एसपी बीएसपी कार्यकर्ता भिड़े। हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच गोलीबारी हुई जिसमें बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जान गंवा दी, कई जख्मी हुए। घायलों में रामवीर उपाध्याय का बेटा चिराग वीर भी शामिल है। झगड़े के बारे में अभी तक यही जानकारी मिली है कि दो पक्षों तरफ से चुनाव के प्रचार के लिए अपना एक पक्ष अपना आया था स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पहले, दूसरा पक्ष बाद में उसके आया, इनमें कुछ झगड़ा का सुनी है, इसी में किसी ने फायर किया, पूरी में विस्तृत चीज नहीं आ पाई है, इसमें जो भी एफ आई आर आती है। संज्ञान में अभी ये आया है कि मानिकपुर पर हमारे माननीय मंत्री जी के जो बेटे हैं चिराग उपाध्याय, वो कन्वेंसिंग में जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और बेवजह उनसे जो है गोलीबारी उनके ऊपर कर दी। इसमें एक उनका जो साथी था पुष्पेंद्र पुष्पे, जैसी सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है, समाजवादी पार्टी के गुंडे ही इस विधानसभा क्षेत्र पर लगातार कई दिनों से वो ये प्रयास कर रहे हैं कि इस गुंडे के बल पर वो इस सीट को जीतने आएंगे। देवेंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी से सादाबाद के विधायक और उम्मीदवार हैं, वहीं बीएसपी की ओर से यूपी के पूर्व बिजली मंत्री रामवीर उपाध्याय उम्मीदवार हैं। जो जनसंपर्क जो प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय विधायक जी चला रहे थे, उसी दौरान जब एक घर में उनका वोट मांगने के लिए वो गए तो उस समय कुछ कहा सुनी दोनों के बीच में हुई है जिसकी लिखित तहरीर उन्होंने थाने पर दी है और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो उसमें अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगरा में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, आगरा उत्तरी विधानसभा से 4 बार विधायक बीजेपी से रह चुके जगन प्रसाद गर्ग वो 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो आज जब जनसंपर्क कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के 4-5 लोगों ने जो क्रिमिनल टाइप के हैं, गुंडे हैं, उन्होंने उनके पीछे से जानलेवा सरिया डंडों से एक तरह से हमला किया, वो बाल बाल बचे हैं। विधायक जी पर जानलेवा हमला किया है,
उनको गिरफ्तार किया जाए। बालाजी मंदिर के पास आदर्श नगर बल्कि धर्मे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहा था, उस समय समाजवादी के जो यहाँ पे उसका गुंडा राज है, बस्ती में लोग उसके आतंक से त्रस्त हैं, जो सुबह सत्ता भी चलाता है, उसने मेरे पे प्राणघातक हमला किया, मेरे सिर में डंडा मारा और मेरे पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। आगरा में चुनाव प्रचार के दौरान आगरा नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी प्रसाद गर्ग पर हमला हुआ, जिसके बाद समर्थकों में भगदड़ मच गई। हमला पर एसपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। टांडा थाने के चितरिया जागीर गांव में सपा के समर्थकों में और बसपा के समर्थकों में आपस में झगड़ा हो गया था, उसमें कार्रवाई की जा रही है, अभी तहरीर मिली है, उस पर FIR लिखा जा रहा है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, अभी जांच के उपरांत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीब है और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, ये बात नवाब साहब को पसंद नहीं आई और उनके गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया और हमला नहीं किया, जान से मारने की कोशिश की। इनका नसीब अच्छा था, ये बच गए और जिन हालातों में चुनाव है, जिस तरीके से टांडा और स्वार में पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है और ना इनकी रपट लिखी गई और ना कुछ किया, उम्मीद बहुत सी चीज़ों की है। रामपुर की स्वार विधानसभा में सपा और BSP कार्यकर्ताओं में जमकर सिर फुटाउल हुआ। घायलों के साथ सपा प्रत्याशी और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला खां भी SP कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। बागपत जिले के बड़ौद शहर में समाजवादी पार्टी और RLD के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे, इस दौरान उन्होंने RLD के झंडे उतार दिए। चश्मदीदों के मुताबिक RLD के कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया तो SP कार्यकर्ताओं ने उनको जमकर पीटा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रदीप शर्मा जी, समाजवादी पार्टी नेता, हमारे साथ लगातार लखनऊ स्टूडियो से जुड़े, आपके पास आऊंगा। बात हमने हाथरस की समाजवादी पार्टी BSP कार्यकर्ता भिड़े, यहां पर BSP कार्यकर्ता ने जान गंवा दी, रामवीर उपाध्याय का बेटा चिरागवीर घायल हो गया। आगरा की बात करें, यहां भी BJP प्रत्याशी प्रसाद गर्ग पर हमला हुआ, समर्थकों में भगदड़ मची, हमलावर SP के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। रामपुर में स्वार विधानसभा में SP BSP कार्यकर्ताओं में सिर फुटावल हुआ और उसके बाद बागपत में SP RLD कार्यकर्ता भिड़े। पार्टियां अलग अलग है लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी कॉमन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में अपराधी रहेगा, अपराधी तो सब दूर हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ संदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया फिर उसके बाद ये क्या भाई साहब, ये बताइए मेरे को। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए जी जी, जुमलेबाजी नहीं सर, सिर्फ मुद्दे की बात। कौन लोग रहे, किनसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ जी? हमारी पार्टी में आज कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं है और हम लोग अपराध से बिल्कुल दूर हैं। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही, आप तमाम सरकारों के कार्यकाल, जुमलेबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 10 आदमी किसी एक आदमी को गलत कह रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी जो वो गलत होगी, ये बताइए। अपराधी इस कदम हौसले उनके बुलंद थे, शेखर तिवारी जैसे बसपा के विधायक ने हत्या कर दी थी इंजीनियर की, तमाम ऐसी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जो पूर्व की सरकार में बहुत ही ऐसी घटनाएं थी जिसने आम जनमानस को बिल्कुल भयमुक्त बना दिया था। समाजवादी पार्टी अब अपराधियों से बिल्कुल दूर हो गई है, हम विकास के मुद्दे पे जनता के बीच में जा रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए लगातार लोग हमसे इसलिए डरे हुए कि वो जान रहे कि समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, जो लगातार क्या समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रही है, ये बताइए। राजेश यादव जी, नेता कांग्रेस, आप गठबंधन के हैं, बताइए आप क्या कहेंगे? सिर्फ मुद्दे की बात चार दिन पहले की करूंगा मैं, कोई विकास की बात नहीं सुनना चाहता। ये बताइए, क्या आपकी पार्टी गठबंधन की पार्टी जो है ये कुछ भी करेगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए जी, बताइए, आपके आंकड़े हैं कि ये 3 दिन में घटनाएं बढ़ी हैं जी, ये देखने की बात है जी कि जब इससे पहले घटनाएं नहीं थी, 3 दिन में ये कैसे बढ़ गई जी। देखिए,
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और सांसद भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जी, बड़ी अखिलेश जी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे 2 महीने पहले जी। मैंने उनका इंटरव्यू देखा बाकायदा जी। और आज देखिए जी, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था की बुराई कर रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, ये जो चुनाव है ना, ये नेतागिरी है, इसमें काजी और पाजी में बहुत फर्क नहीं होता है। शीला दीक्षित देख लीजिए, 15 साल दिल्ली रही, आज गायब है। देखिए ना, शीला दीक्षित गायब कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनाया, अखिलेश का चेहरा है, गायब कर दिया गया। बताइए आप देखिए, जिस विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे जी, और विकास का ऑलरेडी वहाँ एक पार्ट है जी, और सारी हमने उस पर रिसर्च करके, हरीश श्रीवास्तव जी को शायद हमारी आवाज आ नहीं रही है। तो देखिए, उसके बाद हमने शीला जी का जो है भ्रष्टाचार और अपराधियों का संरक्षण। हरीश जी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा अपना रही है? सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में है। तो ये तो यूएसपी है, भारत सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जिम्मेदारी कानून व्यवस्था पिछली साल जो आप बदायूं कांड पे ने जिस तरह से करी थी और जो सच्चाई सामने आई, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार माफी मांगी। लोगों को इस तरह से बलगाना और इस तरह से चुनाव प्रभावित करना इनकी पुरानी आदत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? आप कांग्रेस तो आप जिस तरह की एक वर्ग इनका कुछ और बात करता है, कुशासन का साथ किया। चलिए प्रदीप शर्मा जी आपके पास आएंगे। प्रदीप शर्मा जी, आपके गठबंधन वाले मित्र बोल रहे थे। प्रदीप शर्मा जी, नैतिक बन रही है ये तो जिसकी जी, जिसके जिसको बेहाल सरकार बता रहे थे उसी के साथ पकड़ लिया, उसके गलबैया डाले। चलिए चलिए, बिल्कुल ठीक है प्रदीप शर्मा जी, लाठी खाए इनके जी। आपके गठबंधन वाले दोस्त बोल रहे थे कि ये चीजें पहले भी होती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार करने निकले हैं, ये पहले नहीं होती है, 5 साल में सिर्फ एक बार होती है, और इसमें सबसे ज्यादा दामन पर दाग समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा अखिलेश यादव को लेकर प्रदेश की जनता में, ये बताइए। पिछला कुछ नहीं, सिर्फ अभी का बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछो। देखिए समाज, चलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आप प्रदीप शर्मा जी, आपके पास समाजवादी पार्टी नेता, मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैसेज जाएगा अखिलेश यादव को लेकर जो प्रदेश की जनता है, पिछले 5 दिन में चुनावी माहौल में आपकी पार्टी के दामन पर सबसे ज्यादा छींटे पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संदेश जनता के बीच में जा चुका था जो जाना था जी। हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो हमारा घोषणा पत्र में काम बोलता है। आपने एक चीज हमारे दल के साथी, दूसरे दल के साथी बैठे, सुनिए मेरी बात जी, को। नहीं, आपने कहा जो संदेश जाना था जा चुका, यहाँ पे एक रात पहले वोटर्स डिसाइड होते हैं, आपको पता है। इनको याद आया राम मंदिर जी, इनको याद आया लव जिहाद, इनको याद आया घर वापसी, उनको याद आया कि किसकी कितनी बीवियां हैं, उनसे कितने बच्चे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ऐसी हर बात ये लोग करते हैं जिससे आम जनता के दिल को ठेस पहुंचता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहे, आज हम अपराध की बात कर रहे हैं। आप पर सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ अपराध पर आइए। प्रदीप शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप दंगों में लिप्त इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम ऐसे आरोप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पर स्वयं लगे हैं। हमारा साफ संदेश है, हमने मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को नहीं लिया, हमने तमाम अपराधी छवि के लोगों को नहीं लिया। हमारा साफ संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी की, सबसे बड़ी बात की छवि साफ सुथरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो अपराध है ना वो डबल हो गया, पता है प्रदेश में विकास किया है। प्रदीप शर्मा जी, माननीय अगले बताते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम पर जो अपराध का आंकड़ा है वो डबल हो गया है, दुगना क्या कहेंगे महिलाओं के लिए, आगरा एक्सप्रेस वे जैसे, और पुलिस का आधुनिकरण तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। यशपाल सिंह जी, आपके पास आता हूं, सर्विलांस को अपग्रेड करना, यशपाल सिंह जी, बात अपराध की हो रही है, मुद्दा सांप्रदायिकरण का, दोनों अपनी तरफ है, लेकिन अपराध में क्या कहेंगे अखिलेश सरकार के कार्यकाल में, जनता में साफ संदेश जा चुका है, क्राइम ग्राफ है उत्तर प्रदेश का ये बड़ा है, कैसे विकास की बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव और आम जनमानस में मैसेज गया है, ये संदेश गया है कि पहली बार चुनाव धर्म जाति मजहब पे नहीं हो रहा है, लगातार विकास पे चुनाव हो रहा है। इतनी लंबी पुलिस सेवा में मैंने ये नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना ठोस कदम लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए उठाया। देखिए स्वयं तारीफ कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशपाल सिंह जी का, स्वयं तारीफ कर रहे हैं। यूपी 100 जो है जी,
ये इतनी अच्छी स्कीम है जो अखिलेश जी ने लागू किया है उत्तर प्रदेश में, ये 2400 करोड़ रुपए की स्कीम है और मात्र 1.5 साल में इसे लागू कर दिया गया है। फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, महिंद्रा कंपनी इसको देख रही है। कोई भी सूचना भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जा रही है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल हरीश श्रीवास्तव जी, आपके पास लागू हुई है, आप 4 साल हो गए, ये अभी डायल 100 सुविधा की याद क्यों आई? अरे सिंह साहब, आप तो कम से कम डीजीपी जैसे पद पर रहे हैं, इतना झूठ मत बोलिए। यही झूठ बोलने का काम हमारे पार्टी के इनके प्रधानमंत्री जी करते हैं, जुमले कहने का काम इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष इनके कहते हैं, जो जुमला बोलना समाजवादियों का काम, समाजवादी धरातल के काम करना जानते हैं, बेटे के अपराध बता देना चाहता हूँ, समाजवादी धरातल का काम करना जानते हैं, जुमला बोलने का काम नहीं करते हैं। आप लोग ऐसा क्या, चुनाव के समय में आपको राम मंदिर याद आ रहा है, चुनाव के समय में आपको गाय याद आ रही है, चुनाव के समय पे आपको मंदिर वही बनाने की बात याद आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी लोग विकास के काम करते हैं, आपकी तरह जुमला नहीं देने का था, अच्छे दिन आदा नहीं करते हैं आपके लोग। अगर ये सर्विसेज काम कर रही होती तो उसके परिणाम सामने होते, ये परिणाम सामने, जो परिणाम हर जगह सामने, आप आम जनता से पूछ रहे हैं कि सुविधा उनके लिए कितनी अच्छी है, कि लगातार जैसे ही वो लोग घटना को संज्ञान में पुलिस के लाते हैं 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है। आप क्या बात कर रहे हैं, डायल 100 की सुविधा आपने भी ली होगी, डायल 100 की सुविधा आपके क्षेत्रीय वासियों ने भी ली होगी। यशपाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा, पूर्व डीजीपी, पूरे देश में हरीश जी की सुविधा आप देखिए जाकर, हरीश जी कृपया मेरा मेरी बात समझिए, 15 साल में यशपाल सिंह जी शायद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बड़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखा है पुलिस और जनता के बीच में। यहाँ बैठने से शर्मा जी सुन लीजिए हमारी बात, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। विकास के नाम पर समाजवादी, हरीश जी प्रदीप जी कृपया हमारी बात सुनिए, यशपाल सिंह जी शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे हैं उनके पक्ष में क्योंकि मैच भी तो खेलते हैं, सौहार्द कायम करते हैं आपस में कि पुलिस और जो नेता है वो एक तरह के हैं, क्यों यशपाल सिंह जी? सच बोल रहे हैं, हम नेता नहीं है, नेताबाजी। अरे आप इस जो अपराध हुए उनका जवाब दीजिए ना, आप अगर सच बोल रहे हैं अपराध जवाब के सरकार में, लेकिन एक एक करके बोलिए प्रदीप शर्मा जी, आपके पास भी आऊंगा, समाजवादी सरकार ने दर्शकों को चीजें समझने दीजिए प्रदीप शर्मा जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिनका पूरा आपराधिक मुकदमे, आप बात क्यों कर रहे हैं यशपाल सिंह जी के पास? अरे यशपाल सिंह जी को बोलने दीजिए, आप लोगों के पास आऊंगा, यशपाल सिंह जी आपसे सवाल है सीधा, 4 साल में डायल 100 की याद क्यों आई ये बताइए, इससे पहले भी कर सकते थे वो। अपराधी हमारी पार्टी से बिल्कुल दूर है, हमने साथ दिया है, साफ जाके देखिए। कृपया प्रदीप शर्मा और हरीश जी का पेपर डाउन करिए, यशपाल सिंह जी का पेपर अप करें प्लीज। यशपाल सिंह जी आपसे सवाल, 4 साल में डायल 100 की याद क्यों आई? 4 दिन पहले गोरखपुर में जो हुआ उसका क्या करेंगे? तो ये तो आप ये भी कह सकते हैं कि 70 साल आजाद हुए हुए देश को अभी तक क्यों नहीं याद आया? युवा सोच के थे, युवा सोच 4 साल में क्यों इतने लेट किया? युवा सोच ने क्यों इतने लेट किया 4 साल? राम मंदिर क्यों याद आता है? चुनाव आते इनको क्यों याद आता है कि किसकी कितनी बीवियां हैं, उनके कितने बच्चे हैं? प्रदीप शर्मा जी, इनको धर्म यशपाल सिंह जी, बात मुद्दों की नहीं हो रही है, ठेस पहुंचाने का काम क्यों? प्रदीप शर्मा जी, यशपाल सिंह जी मेरी बात समझिए कृपया, बात मुद्दों की नहीं हो रही, मुद्दे 1000 है आप लोगों के पास, जो बेसिक मुद्दा है अपराध का, जनता परेशान है, NH91 आप ही के कार्यकाल में प्रदीप शर्मा जी क्या करेंगे आप? का हर बेसिक बात यह है कि समाजवादी सरकार सही तरीके से ऐसा क्या करें जो अपराध रुके, 4 वर्ष भले आरोप मत लगाइए, समाधान बताइए, मैं सिर्फ समाधान की बात कर रहा हूं। डायल 100 सुविधा जैसी आप जाके आम जनता से पूछिए, जहां कोई घटना होती है डायल 100 की सुविधा 10 मिनट में जनता के पास पहुंचती है और पीड़ित को लाभ पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 15 मिनट में चीजें पहुंचती है, पूरे देश में ये उदाहरण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और जनता भी धन्यवाद दे रही है, हम चुनाव में जहां जहां जा रहे हैं लोग हमको सराहना कर रहे हैं, हमारी सरकार के कामों को सराहना कर रहे हैं। मैं इस बात पे आपको कहना चाहता हूं, 11 मार्च बहुत दूर नहीं है जी, 11 मार्च को बैलेंस शीट निकाल के जनता जी, देगी हरीश जी, बिल्कुल आपके पास जी, 11 मार्च को देख लिया जाएगा। हरीश यादव जी, आपने एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश यशपाल सिंह जी को सुना, आप प्रदीप शर्मा जी को सुना, समाजवादी पार्टी नेता आपके गठबंधन के नेता, आप हरीश श्रीवास्तव जी को सुन रहे हैं, तटस्थ होकर बताइएगा। NH91 भी हमारे सामने है, बुलंदशहर केस जो है, इसके अलावा हमने आपको केस स्टडी दिखाई पिछले 5 दिन की, आपके गठबंधन मित्र का सबसे ज्यादा बार नाम उछला है, दाग सबसे ज्यादा लगे हैं,
उसके ठीक पहले हमने आपको एक और केस स्टडी दिखाई गोरखपुर की, चार दिन पहले की। तटस्थ होकर जवाब दीजिए ये क्या हो रहा है। अपराध की बात कर रहे हैं हम, आरोप मत लगाइएगा कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, ये क्या हो रहा है। डायल 100 की बात बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की बेस्ट सर्विस है ये। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं राजेश यादव जी से सवाल कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारे सीनियर पूर्व अफसर हैं डीजीपी साहब जी, उन्होंने समझा रहे थे जी, और उनको हरीश जी ने बात नहीं रखने दी जी। आप देखिए, ये जब कोई इनके फेवर में बात नहीं होता है, कोई सच्चाई से अवगत करा रहा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी होती है कि दूसरे को बात मत करने दीजिए। आप देखिए, उनको पूरी बात ही नहीं रखनी थी जी, क्योंकि ये जो वो सच्चाई से अवगत करा रहे थे, ये क्या डायल 100 है नहीं क्या? वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी प्रदेश जानता है जी। और वो स्थितियों से अवगत करा रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, जो जहाँ गलत बोले वहां टोकिए। अब जो वो तो परिस्थितियां हैं, इस पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, तो उसी चीजों को रख रहे थे। जहां तक देखिए, ये अपराध करते हैं जी। आप देखिए, इनके प्रदेशों से ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है कहीं भी जी। आप इनके प्रदेश उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, चुनाव जब आते हैं जी, चुनाव जब नजदीक आते हैं जी, जब ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये विकास की बातें नहीं करते हैं। अब आप देखिए, जो खुर्जा कांड था, आप देखिए, ये खुलता नहीं अगर जी, तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई हो सकता है सपा के ही, या जो गठबंधन का, कांग्रेस का जो गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसी ने मरवा दिया हो। खुलती नहीं बात, ये तो पुलिस का धन्यवाद करिए, और ऊपर वाले जो ईश्वर है वो भी मेहरबान है, उनने तुरंत खोल दी कि भाई इस तरह से प्रभावित ना हो चीजें। तो देखिए, वो सब चीजें पकड़ में आ गई, खुल गई। बिल्कुल सही कहा, इंसान कितना गिर गया है कि जीतने के लिए मैं तो किस किस तरह के हथकंडे अपना रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों से ये भी कहूंगा, सारी पार्टियों के लोगों से, देखिए जब जाते हैं आप, बड़ी चतुराई के साथ, चालाकी के साथ, कोई धरने प्रदर्शन में रहिए। हो सकता है चुनाव जीतने के लिए तुम्हारा साथ में दुश्मन हो, तुम्हें मार दे। चलिए, यशपाल सिंह जी, आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, ये सवाल उठाए जी। बिल्कुल, तो देखिए इस तरह का ये चलेगा यहाँ, और माहौल खराब करने का। यशपाल सिंह जी, आपसे अगला सवाल। शामली जिला हेडक्वार्टर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गंदराऊ पड़ता है। 12 जनवरी की बात है, पुलिस वाले कुछ गाड़ियों की जांच कर रहे थे, एक स्विफ्ट डिजायर आई और एक आई-10 आई, पुलिस ने रोकी। दोनों बदमाशों ने फायरिंग करी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया। बड़े डब्बे थे, संदूक रखे थे, अनाज और कपड़े थे, उनके नीचे 3 फैक्ट्रीज का जो माल लदा हुआ था, असलहों का वो था। पुलिस ने निशानदेही की और फिर उनको पकड़ा। खास बात यह है, दर्शक पूछ रहे हैं कि खास बात क्या है इसमें, हमेशा पकड़ा जाता है हर 15 दिन में माल। इन फैक्ट्रीज में से जब छापेमारी की गई साहब जी, तो 123 अद्धी बंदूक बोलते हैं, 315 बोर के 80 तमंचे, 500 से ज्यादा अध बने तमंचे बरामद हुए। उससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 10 साल के दौरान किसी एक जगह से एक बार में हुई अवैध हथियारों की यह सबसे बड़ी बरामदगी थी। बताया गया इन अवैध हथियारों का संबंध प्रदेश के आगामी चुनाव से भी जुड़ा हुआ था। यशपाल सिंह साहब, यह बताइए, चुनाव के पहले ही इतनी बड़ी रेड जो है, इसका मतलब क्या है? ये क्या संदेश जाता है कि देखिए पुलिस कानून बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके पहले ऐसा क्यों नहीं होता? फिर भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ जी? अरे भाई, जब सूचना मिलेगी, सूचना इत्तेफाक की बात होती है जी, ठीक, मुखबिर मिल गया। चलिए, बिल्कुल सही। चलिए, एक सवाल और यशपाल जी, एक सवाल और। पुलिस ने एक्शन कर लिया जी। पिछले साल 2016 में जनवरी से दिसंबर तक अलग अलग जिलों में कुल 403 अवैध हथियार बरामद हुए थे। इससे करीब 6 गुना ज्यादा चुनाव का ऐलान हुआ उसके 2 हफ्ते के अंदर ये अलग अलग जगहों से बरामद हुए। क्या कहेंगे? देखिए, अचानक से कहां से जानकारी आ गई आपके पास 2 हफ्ते के अंदर? जी, जैसे ही चुनाव अनाउंस होता है जी, तो पुलिस एक अभियान चलाती है जी, वो सारा काम छोड़ करके अवैध असलहों के बारे में विशेष प्रयास करती है जी। तो उस विशेष प्रयास के कारण ये सब रिकवरी बहुत ज्यादा ऐसे समय में होती है। नॉर्मल समय में हम अपना दूसरा काम करते रहते हैं, पुलिस के पास हजारों काम है, हर काम में पुलिस लगा दी जाती है, तो वो भी तो करना है। लेकिन इलेक्शन के समय खास तौर से हम अवैध हथियारों पे रोक लगाने का प्रयास करते हैं जी। और इसलिए ये रिकवरी होती है, और उसमें बिना वजह शक करना
और उसको अदरवाइज इंटरप्रेट करना है भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किया जाए, पुलिस की नौकरी ही ऐसी है। जी बिल्कुल दुर्भाग्य। प्रदीप शर्मा जी आपके पास आऊंगा। समझिए वेस्टर्न यूपी जो है वो बहुत अधिक संपन्न है। मुंगेर से जो रिवॉल्वर आती थी, जब वहां पे अवैध हथियार की जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो बंद कर दी गई, तो पता चला कि वेस्टर्न यूपी में ही वो मुंगेर के जो पिस्टलें बनाने लगे। आपकी सरकार थी, क्या किया, कैसे आने दिया अंदर, कैसे फैक्ट्रीज लगने दी? देखिए हमारी सरकार ने लगातार अपराधियों पे कड़ा शिकंजा कैसे कसा जाए इस पे काम करने का काम किया है। जी जहां भी जिस जिले में भी कोई भी ऐसी घटना या ऐसी सूचना मिलती है कि अपराधी थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो सरकार उसको तुरंत संज्ञान में लेकर वहां के जिले के अधिकारियों को, वहां के लोगों को ये इंगित करती है कि वहां पर अपराध ना पनपे, और जहां जहां भी ऐसी घटना आती है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में लेके तत्काल प्रभाव से घटना को संज्ञान में लेने के बाद कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। और अपराधियों से लगातार समाजवादी पार्टी दूर रहने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन आज पूरा चेंज हो चुका है। जनता समाजवादी पार्टी को इसलिए पसंद कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि इतनी अच्छी निकली कि विरोधी भी आज उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। कोई भी अपराधी समाजवादी पार्टी में नहीं है आज। माननीय मुख्यमंत्री, याद होगा आपको 2012 के चुनाव से पहले जब डीपी यादव को नहीं लिया था, वो भी वेस्टर्न यूपी से ताल्लुकात रखते हैं, जनता ने उस फैसले को बहुत सराहा था। और हाल ही में आपने देखा कि दो अपराधी, बड़े अपराधी जिनको कोई दल नहीं ले रहा था, उनको बहन जी लेने का काम किया। आज हमारे चैनल के डिबेट में कोई साथी उनके दल से नहीं आया है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा परसेप्शन चेंज होने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अपराधियों को दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमने काम इतना किया है, जनता के बीच में अपनी एक छवि बनाई है, एक विकास के नाम पर छवि बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना विदेशों में भी हो रही है। जी जी, तो जनता हमको विकास के नाम पे वोट देने जा रही है, फिर से सरकार बनाने के बाद। और रही बात अपराध की, आज सांप्रदायिक लोग, जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें हावी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंसूबे कामयाब ना हो, वो रोकने के लिए हम लोग के पीछे आ रहे हैं और लगातार ऐसी साजिशें रख रहे हैं चुनाव के समय पे कि किसी तरीके से इनका चुनाव गड़बड़ हो। लेकिन जनता अच्छे दिमागों से होशियार हो चुकी है। प्रदीप शर्मा जी ने जवाब नहीं दिया कि भाई भी दूध पिलाने का काम किया, पिस्टल रिवॉल्वर की सप्लाई होती थी वो वेस्टर्न यूपी में, उसका कारखाना क्यों लग गया? आपको पता है वेस्टर्न यूपी में से उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान बहुत आसानी से तस्करी हो सकती है। आप अभी तक समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई ऐसा? वेस्टर्न यूपी बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है हथियारों की तस्करी का। लंबा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने पुलिस के आधुनिकरण के भी काम किया, क्योंकि ये चुनावी अपराध का मुद्दा आप लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं अन्य मुद्दे पे भी आपको लेना चाहता हूं। सिर्फ एक मुद्दा समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे लड़ने जा रही है, आप समाजवादी पेंशन देख ले, क्योंकि समाजवादियों पे जनता इसलिए विश्वास कर रही है क्योंकि जो भी हमने कहा वो करके दिखाया। उठा के देख लेंगे, घोषणा पत्र का एक भी वादा ऐसा नहीं होगा जिसको समाजवादियों ने पूरा ना किया है। आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम लोगों ने शर्मा जी का, हरीश श्रीवास्तव जी का, हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया। हमने 102 यशपाल सिंह जी आपके पास आऊंगा। जी बिल्कुल, हमने 1090 जैसी सुविधा दी, हमने जैसी सुविधा दी, हम लोगों ने गजरिया फॉर्म बनाया, हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया। पहले अपने हम ग्राफिक्स को चला रहे हैं थोड़ी, इसीलिए मुद्दा 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक सरकार बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस शर्मा जी आपके पास आऊंगा, इसलिए मिला है कि सांप्रदायिक ताकतें कहीं हावी ना हो उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर मैं जनता से धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय जनता आ रहा हूं, कृपया मुझे भी सुनने देने जा रही है, विकास के नाम पे सरकार बनाने जा रहे हैं। यशपाल सिंह जी से, यशपाल जी ये 11 जनवरी से 13 जनवरी तक मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, उरई, बिजनौर, बांदा, इलाहाबाद, कुशीनगर, बाराबंकी, चार चार लोगों को आप एक पक्ष के चार लोगों को जब जिस तरह चाहे बोले, इस तरह से आप बुलाएंगे चैनल पे और क्या कर रहे जी? यशपाल जी आपके पास आऊंगा। एक साथ 9 जगह पर पिछले 3 दिन में ये लोग पकड़े गए हैं। अब ये बताइए इतनी भारी संख्या में कारतूस कहां से आते हैं? ठीक है हमने मान लिया कि अवैध असलाह पकड़ा जा रहा है, कारतूस इतनी भारी संख्या में कहां से आते हैं? आरोप लग रहे हैं कि अब कारतूसों की हेराफेरी होती है। बेलसंडा में माल खाने से 500 कारतूस गायब मिले थे 2008 में, फिरोजाबाद पुलिस लाइन से 40,000 कारतूस गायब, 2004 में 99,589 कारतूस गायब मिले थे। इतने कारतूस आखिर कैसे गायब हो जाते हैं और अभी तक इनका पता नहीं चला है? यशपाल सिंह जी, कारतूस गायब हो जाते हैं जी,
इसमें बहुत से पुलिस वाले, पैरामिलिट्री वाले जी, और भी तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जिनके पास असलहे होते हैं, कारतूस होती है जी, तो उसके जो इंचार्ज होते हैं आर्मोरर जी, वो अब भ्रष्ट लोग तो हर जगह पड़े हुए हैं, हर संगठन में पड़े हुए हैं जी, तो उनको खरीद लेते हैं लोग उनसे, वो बेचते हैं जी, लेकिन जब कभी जांच में वो पकड़े जाते हैं तो जेल जाते हैं, नौकरी से निकाले जाते हैं जी, सजा होती है। ऐसे हम जानते हैं, हमारे पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस के ही और पीएससी के कई आर्मोरर अभी 4-5 साल पहले बहुत भारी इस तरह के घपले में पकड़े गए थे। तो जैसे तफ्तीश में जो बात आती है तो वो पकड़े जाते हैं, और सामान्यतः ये जो लोग असलहे की दुकान रखे हैं वो भी बेचते हैं, बताए तो ऐसी स्मगलिंग भी होती है जी। तमाम बातें हैं, हजारों समस्याएं हैं, उससे पुलिस जूझती रहती है जी। और हर चीज पे खाली पुलिस पुलिस का दोष दे रहा जी, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। सर ये आरोप भी लग रहे हैं कि एक एरिया होता है कि जो नए कारतूस मिलते हैं उसमें 80% जो है पहले खोखा जमा करिए, उसके बाद आपको जो लाइसेंस पे कारतूस मिलेंगे बाकायदा चढ़ते हैं। पूर्वांचल में बंदूक की करीब 2 दर्जन दुकानें एसटीएफ के रडार पर है, क्या क्या प्रोसीजर है इसको चेकआउट करने का और फिर अपराधियों को जो है सजा देने का? देखिए ये पुलिस का ये प्रस्ताव था जी कि हर कारतूस पे एक नंबर डाला जाए ताकि, और वो कारतूस किसको बेचा गया, किस दुकानदार के पास गया जी, उसका बाकायदा हिसाब रखा जाए, क्योंकि अब तो ये कंप्यूटर में सारी सुविधाएं ऐसी रखी जा सकती हैं जी। लेकिन अभी ये केंद्रीय स्तर पर ऐसा संभव नहीं हो सका है जी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा कि ये फला कारतूस किस दुकानदार से निकला, कहां से निकला, पुलिस से निकला कि सीआरपी से निकला कि कहां से? तो इसलिए इन सब चीजों का केंद्रीय स्तर पर प्रयास हो रहा है, लेकिन जैसे निर्णय लेने और काम करने का की स्पीड होती है उसी स्पीड से लोग काम करते हैं और सब चलता रहता है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यशपाल सिंह जी पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे साथ जुड़े थे, हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, प्रदीप शर्मा जी समाजवादी पार्टी नेता लखनऊ स्टूडियो से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश यादव जी नेता कांग्रेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि नेता इसलिए होते हैं ताकि वो जनता को जवाब दे सके। फर्क नहीं पड़ता कि 3 लोग आपके समर्थन में हैं या 33 आपके खिलाफ हैं, आप इस तरह से चीजें छोड़कर सीट छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर आप जाते हैं तो यकीनन आप नेता नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।